This one only says it can be. Stop here, Jenna! अरे सिंगल सिंगल शरद तोर सिंगल सिंगल भाई 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 वेट 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 चलो 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 एक बड़ा सर चंद चलो चलो हो गया चलो अरे रुको ना ना बीच में ओके साइलेंस 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 रोल साइलेंस मोबाइल नीचे अरे भाई ओके शरद सर अब बिग बिग कांग्रेचुलेशंस फाइनली नीचे था नीचे अरे फाइनली कैसा महसूस कर रहे हो आप बैटिंग कपल आवाज नहीं आ रही है रोल साइलेंस जोर से जोर से यार सुन मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं तुम्हारे माइक पर मेरा भी कैमरा है यार पीछे लाइन किया पीछे मुझे बहुत सालों से नहीं नीचे देना किसान किसान थोड़ा नीचे भाई अब तक 12 सालों में करीब 7 बार उनसे शादी की है ये पेश ऑफ स्क्रीन कर रहा हूं ये जय हम लोग अरे पूरा और किसान भाई भाई कैमरा थोड़ा सा फ्री मारा भाई अरे थोड़ा फ्री मारा अरे कैमरा पीछे से ले ना घुमा ना करना खाली कर आप पप्पू पप्पू खाली कर थोड़ा पप्पू थोड़ा खाली कर थोड़ा खाली कर इट्स द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ खाली ले शरद लाइफ कितनी चेंज होने वाली है शादी के बाद क्योंकि आज तक बैचलर लाइफ जी है आपके और आपको एकदम से और सब कुछ शेयर करना पड़ रहा है जितनी आपकी भी मेरी भी हो जाएगी जी आई थिंक डेफिनेटली लाइफ चेंज होती है बैचलर था अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जी रहा था लेकिन चूंकि शादी करके जो खाए पसता है जो ना खाए वो भी पसता है खा लिया है तो खुशी खुशी खाएंगे और उम्मीद है कि इंजॉय भी करेंगे उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जो आपके साथ है उसके लिए भी शादी जो मैं मानता हूँ कि सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं दो परिवारों का तो इसीलिए मुझे बहुत ही समय लगा अपने आप को मनाने में और ये बात समझने में कि शादी जो है वो खेल नहीं है पहली बात हमारे हिंदू संस्कृति में शादी का बहुत महत्व है तो जितने आप महत्व उसे देंगे वो आपको उतनी महत्व देंगे तो थैंक यू सो मच फाइनली मैंने आज वो कदम उठा लिया है और उम्मीद है कि आप लोग सबका साथ हमेशा रहेगा अभी तो शादी में एडवाइस मैं आपको क्या दूँ मुझे एडवाइस मिलने वाली है देखिए मुझे एडवाइस मिलने वाली है मैं वेट कर रहा हूँ अच्छा एडवाइस नहीं मिलेगी ये सबके सामने बोल रही है और मेरे को अच्छा शरद हैव यू सरप्राइज फॉर अस कोई गिफ्ट ऐसा जो आप स्वागत की ऑलरेडी बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं आपके घर में आपकी सारी तैयारियाँ कर रही है लेकिन आपने क्या खास खुशी के वेलकम की नॉर्मली लड़कों को बहुत ज्यादा अप्रिहेंशन होता है शादी के बाद अपनी वार्डरोब शेयर करने का सो उसने जगह बनाई कि ये प्रॉब्लम चलो आपके साथ हो रही है नहीं आई थिंक तो मैंने अब तक वार्डरोब के बारे में सोचा नहीं है पर हाँ डेफिनेटली बेड तो शेयर करूँ मैं तो आई थिंक जब बेड शेयर होगा तो वार्डरोब भी आस्ते आस्ते जो मेरा था वो अब सब कुछ यहाँ चले जाएगा तो मेरे जो दो चार कपड़े होंगे वो मुझे कहीं बाहर बिस्तर में मिलेंगे क्या बोल रही है हनीमून आप सबका स्वागत है आएगा स्टूडियो नंबर 5 में प्लीज आइएगा और अभी तो फिलहाल कोई प्लान्स है नहीं चूँकि लगातार शूट चल रही है बहुत टाइट शेड्यूल है बट उम्मीद है कि मैंने हनुमान हुआ बट अभी आया थोड़ा वेट करना पड़ेगा
सुबह जो थी आज गुरुद्वारे में शादी हुई, अभी जो है वो हिंदू जो थे एक दिन में दो शादियाँ। कुछ कसम अगर अभी आपको कोई प्रॉमिस करना हो उनसे, यहाँ सब मीडिया है, सब है उनके सामने, कुछ कहना चाहेंगे मीडिया को साक्षी मानकर? जी कसम तेरे प्यार की, हमेशा तेरे चेहरे पे मुस्कान बरकरार अब गाड़ी जाने दोगे तुम लोग? मिला ना सबको जाने देंगे? चल भाई आड़ी आओ ना, जान दो ना। चलो चलो आटो गाड़ी जाने दो। हेलो कांग्रेचुलेशंस। Sir, sir.